अस्सलाम वालेकुम, मैं तरन्नुम शेख, मैं भिवंडी में रहती हूँ और मुझे आज अपना आप लोगों से दर्द शेयर करना है। हम 10-11 साल के थे तब से हम काम कर रहे हैं। हम तीन बहन हैं, तीनों काम करके पैसे जमा करें और हमारा सौतेला बाप है जिसने हमें बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। हमारे 5 लाख पूरे इधर उधर फंसा दिया है और अब हम उससे मांग रहे हैं तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमने जिनको भी दिया है सबका पेपर बना हुआ है, ये पेपर है, ये हमारा जो सौतेला बाप है वो है, उसकी फोटो है ये, और ये जो इन लोगों को खुद तो पैसे हमारे खा गया है और लोगों को दिलाया था हमको लॉकडाउन में ऐसे बोल के कि तुम अभी काम धंधे पे जा नहीं रहे हो, तुम्हारा पैसा सब खर्चा हो जाएगा, एक काम करो 2-3 लोग को पैसे दे दो, वो तुम्हारा भाड़ा भर देंगे, लाइट बिल भर देंगे, ऐसे बोल के लोगों को पैसा दिलवा दिया था। हम लोग मुंबई रहते थे, हम लोग को वहां से इसलिए बुलाया था कि तुम यहाँ पे, हमने 6-7 लाख रुपए जमा करा था, बोला था भिवंडी में आके घर ले लेना। हम तो बस अपना घर लेने आए थे यहाँ पे, हमें नहीं पता था हमें इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया जाएगा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, हमारी मदद कर दो प्लीज, हमारे पैसे निकलवा दो, बहुत ज्यादा मजबूर हो गए, बहुत ज्यादा। एक इसको पैसे दिलाया है, ये इसका मोइनुद्दीन सलामुद्दीन नाम है, ये रहता है टोंक नगर में, टाइगर नगर रहता है ये मुंबई में। इन लोगों के हमने हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी पकड़ लिए, पर ये हमारे पैसे देने का नाम नहीं ले रहे। इन्होंने हम लोगों को चेक भी दिया है, चेक डाला है, वो भी बाउंस हो चुका है। मैं पुलिस चौकी गई थी, वहां पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 आदमी लोग हैं जिन्होंने हमारे पैसे लिए। ये आदमी है इरफान मुस्तफा पटेल, ये गैबी नगर में रहता है, भिवंडी में। मैं भी गैबी नगर में ही हूँ अभी। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारा पैसा निकलवा दो प्लीज, पैसा निकलवा दो प्लीज। हमारी क्या गलती है, हमने तो बस, इन्होंने हमसे रो रो के पैसे मांगे थे 1-2 महीने का बोल के, हमें नहीं पता था हमें फंसा दिया जाएगा, प्लीज हमारी मदद करो। हम तो यहाँ घर लेने आए थे, अब हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम भाड़ा भर सके या कुछ खा सके। अब मैं मेरी मम्मी के घर पे रह रही हूँ, पर वो आदमी हमारे साथ कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मदद कर दो, हमारे पैसे निकलवा दो, इन लोगों से हमारे पैसे निकलवा दो प्लीज, इन लोगों से पैसे निकलवा दो। बहुत उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बहुत उम्मीद के साथ प्लीज। ये लोग कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, वीडियो बनाएगी मैं, बहुत आप लोग मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं सारे भाई बहनों से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मदद कर दो, हमारे पैसे निकलवा दो, हमारे पैसे निकलवा दो, हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो प्लीज, हमारी मदद कर, हमारी पैसे निकलवा दो। हमने हमारी ये 5 लाख रुपए हमारे 9 साल की कमाई है, हमने बहुत मुश्किल से जमा करे, बहुत मुश्किल से लोगों के घर में झाड़ू पोछा कर करके हमने पैसा जमा करा है, बहुत मेहनत के पैसे, प्लीज हमारे पैसे निकलवा दो प्लीज, प्लीज हमारी मदद करो प्लीज।